सबसे पहले आका नमदार फजदर मदीना सुलर जालों पर आराम फरमाने वाले आका हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बरगाह रिसालत पे इस अकीदत से हम दुरूद पेश करते हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं और आका मदीने से सुनते हैं। ये हमारे किस्मत है कि हम उनके उम्मत हैं, हमारे ये किस्मत है कि हम उनके उम्मत है जिसके उम्मत के होने के लिए नबी ख्वाहिश रखते थे। तो मैं इस अल्लाह से दुरूद का हदिया पेश करता हूँ कि सब आवाज बुलंद के साथ अगर शेर समझ में आए और दिल में पहुंच जाए तो सुबहान अल्लाह की सदा अपने आप लगा देना। अगर सुबहान अल्लाह कहने में कोई गुना मिले तो मुझे दे देना, अगर कई सवाब मिले तो आप ले लेना, फिर भी सुबहान अल्लाह कहने में कंजूसी मत करना। मैं दुरूद पेश करता हूँ और बाद में शेर पेश करता हूँ, देखता हूँ किसको समझ में आता है। पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि हवाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। शेर क्या है सुन लो, मैंने एक बार कहा था मेरे आका से, क्या झूली मेरा खाली है, फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला न गया, अरे फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला न गया। ओ नबी जो मेरा भला बचाएगा, ओ नबी जो मेरा भला बचाएगा, मेरी बात शिष्य दुआ करे, ओ नबी जो मेरा भला चाहे, मुझे बख्शाने का दुआ करे, मुझे भूल जाए वो हशर में, मुझे भूल जाए वो हशर में, मेरी दुश्मनों की ये भूल है। अल्लाह सल्ले अला मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाह अला सैयदिना अल्लाहुम्म सल्ली अला पढ़े तो नहीं होगा बवाल बुलंद, पूरा मजमुआ एक साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन। मैं फातिमा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे जांडा है, ठीक है ना, लेकिन जिसके हाथ में
में झंडा नहीं है, वो अपने हाथ को झंडा बना ले, ये हमारे खुशकिस्मत ही होगा। कल महशर में अगले दिन जब हम लोग पूछा जाएगा कि हमारे आमल क्या है, तो हम पेश कर देंगे कि हमारे आका के नाम पर हमने हाथ उठाया था, हमारे आका के नाम पर हमने हाथ उठाया था, इस वजह से हमको शायद अल्लाह ताला हमको जन्नत अता कर दे। इसी वजह से हाथ को आवाज को बुलंद करते हुए लहराते हुए मेरे साथ عليه